माँ की बात चली, माँ की उपमा हुई तो माँ से ही कथा शुरू हुई। कैसे ही संशय कीन भवानी। माँ भवानी के मन में भी एक बार ऐसा संशय उत्पन्न हुआ था, राम कौन है, साधारण मनुष्य कि परात पर ब्रह्म। और तब भवानी ने पूछा था महादेव जी से, और महादेव जी ने जो कथा सुनाया माँ भवानी को, वही कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रामायण का कोई वक्ता ऐसा अभिमान नहीं करता कि यह कथा मैं सुना रहा हूं, यह कथा तो किसी ने किसी को सुनाया था, हम निमित्त बनकर के प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में मैं निकल जाए तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है और मैं ना ही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दून समाई। टक्कर तो ईगो की ही है ना भैया, भक्ति का मतलब है ईगो को भगवान के शरण में रख देना, अहंकार को परमात्मा का दास बना देना। अहम रहे लेकिन दास बनकर, दासो हम, अहम दासह, अहम को दास बना दिया जाए। मैं नहीं सुना रहा हूं, यह कथा किसी ने किसी को सुनाया था, हम तो केवल निमित्त बनकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, क्योंकि भरद्वाज जी ने कहा था कि महाराज प्रश्न पूछने में बड़ा संकोच हो रहा है। कहतसो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ा होई अकाजा। क्योंकि ऐसा संशय, राम कौन है, राम ब्रह्म है कि मनुष्य है, और जप करने वाला, राम का भजन करने वाला, बरसों से प्रयाग में रह करके तपस्या करने वाला पुरुष, और ऐसा पूछ रहा है, तो बोले बड़ा संकोच हो रहा है आपसे पूछने में। लेकिन संत कहें अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, हो इन बिमल विवेक और गुरसन किए दुराव। कहते हैं गुरु से पर्दा नहीं करना चाहिए, वरना हृदय में विवेक नहीं होता, जो है रख दिया। कहत सुमोही लागत भय लाजा, लज्जा का अनुभव तो कर ही रहा हूं मैं, लेकिन प्रश्न पूछते समय भय भी है मन में। भय कौन सा, कि कहीं आप ये न समझ ले महाराज कि ये प्रश्न मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया। नहीं नहीं नहीं, मैं परीक्षा लेने वाला कौन होता हूं। नहीं तो कई लोग परीक्षा लेने के हिसाब से, परीक्षा करने के हिसाब से भी पूछते हैं, और उस बात का जवाब देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि इसमें लज्जा की क्या बात, ऐसे ही संशय कीन भवान। ऐसा संशय तो भवानी ने भी किया था। संशय का रोग पैदा होता है, उत्पन्न होता है संशय मन में, बस आवश्यकता केवल इतनी है कि उस संशय को छुपाया न जाए, समर्थ सदगुरु के सामने प्रकट कर दिया जाए। संशय को यदि बचाकर हम रखेंगे तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय हमारा नाश करेगा, हमने संशय का नाश करना। तो समर्थ किसी संत के सामने, सदगुरु के सामने उस संशय को प्रकट कर दिया जाए। ऐसे ही संशय कीन भवानी, एक बार भवानी ने ऐसा संशय किया था, और तब महादेव जी ने जो कथा सुनाया, शिव चरित्र सुना रहे हैं अब श्री याज्ञवल्क्य महाराज। त्रेता युग की बात है, एक बार ऐसा हुआ, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे
अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी राम कथा मुनि बरज बखानी युग की बात है। एक बार भगवान शिव कैलाश के गिरि शिखर से उतरे और गए दंडकारण्य में। दंडकारण्य ये जो अपना नासिक त्रंबक है, वहां पर मुनि अगस्त्य जी का आश्रम है। अगस्त्य जी के आश्रम में गए, क्यों? कथा सुनने। खुद की ही रची हुई कथा, राम कथा की रचना स्वयं शंकर जी ने करी। रचि महेश निज मानस राखा पाई सु समय शिवासन भाखा, स्वयं शंकर जी ने इसकी रचना करी है। और अपनी ही रची हुई कथा किसी अन्य के मुख से सुनने जाना, यह शंकर जी की विनम्रता है।